नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज हम आपको बीबीसी के प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री बनाने वालों के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताने जा रहे हैं, ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जिसे देखकर आपका दिमाग सुन्न हो जाएगा। आपको पता चलेगा कैसे इस प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री के पीछे एक सफेद पोष इंटरनेशनल गैंग है जो हिंदुस्तान में कोहराम मचाना चाहता है। हम आपको इस गैंग की असलियत बताएंगे, सबूत दिखाएंगे कि कैसे ये समाज में जर्नलिस्ट, प्रोफेसर, समाज सेवी का चोंगा ओढ़कर जिहाद और टेररिस्ट ग्रुप को आइडियोलॉजिकल कवर देते हैं, उन्हें फिनांस करते हैं। ये वो लोग हैं जो सिर्फ हिंदुस्तान और मोदी ही नहीं बल्कि डेमोक्रेसी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आज हम इस प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री को बनाने वालों को एक्सपोज करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस फिल्म के प्रोड्यूसर और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर से। इनका नाम साधना सुब्रमण्यम और लवजीत धालीवाल। मतलब ये डॉक्यूमेंट्री किसी अंग्रेज ने नहीं, ये दोनों ही हिंदुस्तानी हैं। दोनों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट को प्रोटेक्टेड कर दिया है ताकि दुनिया उन्हें पहचान नहीं सके। तो वो क्या छुपाना चाहती है? इन दोनों ने ऐसा क्या किया है? पूरी दुनिया में इस डॉक्यूमेंट्री की चर्चा हो रही है और जिन लोगों ने इसे बनाया वो दुनिया से छिप गई। बड़ा सवाल है कि छिप गई है या फिर इन्हें छिपा दिया गया है। वो कौन लोग हैं जो मोदी को बदनाम करने का ठेका लिया? ये दोनों, लवजीत धालीवाल और साधना सुब्रमण्यम, दोनों के रिश्ते अल जजीरा चैनल से रहे हैं। ये चैनल आतंकियों के माउथ पीस की तरह काम करता रहा है। अलकायदा और आईएसआईएस के जितने भी टेप आए पूरी दुनिया के सामने इसी चैनल के द्वारा आया। अल जजीरा चैनल में इन दोनों ने जमकर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। साधना ने ऑनर किलिंग के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई तो लवजीत इस्लामिक रिलीफ की मीडिया कंसल्टेंट है। इस डॉक्यूमेंट्री की लीड इंटरव्यूअर सुरभि टंडन ने भी अल जजीरा के लिए काम किया। कश्मीरी जिहादियों के लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है इन लोगों के पास। और इस डॉक्यूमेंट्री में जिस पत्रकार को दिखाया गया वो आलिशान जाफर भी अल जजीरा से ही जुड़ा हुआ है। मतलब डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले एंटी इंडिया, एंटी हिंदू और एंटी मोदी गैंग के हैं। यहां ये बताना जरूरी है कि ये अल जजीरा कतर सरकार की कंपनी का एक हिस्सा है। पैसे वहां सरकार देती है इस चैनल को चलाने में। कतर पर आरोप है कि वो दुनिया भर में इस्लामिक आतंकवाद की फंडिंग करता रहा है। कतर पर तालिबान, इस्लामिक स्टेट, अलकायदा, हिजबुल्ला, मुस्लिम ब्रदरहुड, अल नुसरा फ्रंट समेत दुनिया भर के कई खूंखार आतंकवादी संगठनों की फंडिंग करने और उन्हें पनाह देने का आरोप इन पर लगा है। 2014 में कतर पर आईएसआईएस की फंडिंग करने, 2020 में हिजबुल्ला को आर्थिक मदद देने और जून 2021 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नामित आतंकवादी समूह अल नुसरा फ्रंट को पैसे भेजने का भी आरोप लगा इनके ऊपर। इसके अलावा तालिबान के साथ कतर के रिश्ते जगजाहिर हैं। कतर के बारे में यह भी जानना जरूरी है कि जब से मोदी के रिश्ते सऊदी अरब और यूएई से अच्छे हुए तब से कतर और टर्की हिंदुस्तान के खिलाफ एजेंडा चला रहा है। नुपुर शर्मा के केस में कतर में कुछ ज्यादा ही लोगों को मिर्ची लग गई थी। वहां पाकिस्तानी मुसलमानों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था, बाकी जगह तो प्रदर्शन करने नहीं दिया गया लेकिन कतर में बहुत हंगामा बरपा था। आतंकियों का पनागार कतर का इस बीबीसी डॉक्यूमेंट्री से क्या कनेक्शन है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन एक नजर उन चेहरों पर भी जो इस डॉक्यूमेंट्री में नजर आ रहे हैं, उनके बारे में एक लाइन में यही कहा जा सकता है कि इस डॉक्यूमेंट्री के पीछे वही वामपंथी गैंग है जिनका धंधा ही हिंदुत्व को गाली देना, पीएम मोदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना रहा है। इसमें वो लोग हैं जो अफवाह फैलाने वाले न्यूज क्लिक
कारवां, लायर वायर जैसे वेबसाइट से जुड़े हुए लोग हैं। डॉक्यूमेंट्री में नीलांजन मुखोपाध्याय, हरतोष सिंह बल, सिद्धार्थ वरदराजन जैसे वामपंथियों को सत्यवादी बता करके पेश किया गया। सफूरा जरगर, उमर खाली जैसे लोगों को आंदोलनकारी बताया गया। ये वही इकोसिस्टम है जो हर वक्त हिंदुस्तान के खिलाफ अफवाह फैलाने का काम करता रहा है, चाहे वो आर्टिकल 370 हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट स्ट्राइक हो। मोदी के हर काम को गलत बताना है, इनकी दूषित मानसिकता में रचा बसा एक ये बीमारी है। ट्विटर पर इस गैंग की एक करतूत को विजय पटेल ने एक्सपोज किया है। इसके लिए थोड़ा इतिहास में जाना जरूरी है ताकि आपको पता चल सके कि वही गैंग है जो आतंकवादी संगठनों के लिए पैसा इकट्ठा करता है, टेरर का माउथपीस बनकर जनता को बरगलाने के काम में हमेशा लिप्त रहता है। बात 2011 की है। फिलिस्तीन में गाजा स्ट्रिप को बचाने के लिए एक मुहिम शुरू की गई, नाम दिया गया फ्री गाजा। इसके तहत कुछ लेफ्टिस्ट एक्टिविस्ट और जिहादियों ने हमास और दूसरे टेररिस्ट ग्रुप को मदद पहुंचाने के लिए गाजा कारवां की शुरुआत की। एक बोट आ रहा था जो गाजा जा रहा था, इसके लिए 8 लोग एक बोट पर सवार हुए। इन 8 में से 4 हिंदुस्तानी थे, उनके नाम भी आप सुनिए। ब्रिगेडियर सुधीर सावंत, जमात इस्लामी के शाहीन, कट्टी परामबिल, नक्सल छात्र संगठन आयशा का असलम खान और तहलका का पत्रकार अजीत साही। ये वही पत्रकार है जो जिहाद और सिमी जैसे आतंकी संगठनों के बचाव में आर्टिकल लिखता है। कहानी आगे बढ़ाएं, इसके लिए जरूरी है कि ये जानना कि ये आखिर चारों हैं कहां। तो जमात इस्लामी आयशा वाले तो अपने संगठन के लिए काम कर रहे हैं, हमास जैसे आतंकियों को साथ देने के इनाम में केजरीवाल ने सुधीर सावंत को दिया और 2019 में आम आदमी पार्टी का महाराष्ट्र का चीफ बना दिया। और अजीत शाही, ये वो तहलका का पत्रकार, इसने इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल में एडवोकेसी डायरेक्टर के रूप में ज्वाइन किया। ये वही जिहादी संगठन है जो अमेरिका में रहकर इंडिया पर प्रतिबंध लगाने के लिए लॉबी करता है, पैसे पाकिस्तान से आते हैं। मजेदार बात यह है कि यह वही इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल है जिसे इस डॉक्यूमेंट्री में दिखने वाले क्रिस्टोफर जफरलॉट ने टैग करके बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ट्विटर पर शेयर की। नोट करने वाली बात यह भी है कि इसके बारे में क्रिस्टोफर ने डॉक्यूमेंट्री की रिलीज से पहले ही प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया था। यही है टूल किट, यही है इकोसिस्टम। ये फ्रांस का एक ऐसा अफवाहबाज है जिसने अपनी जिंदगी हिंदू, आरएसएस और मोदी के घृणा में कुर्बान कर दी है। मतलब हिंदुस्तान के वामपंथी, जिहादी, इस्लामिक आतंकवाद के समर्थक, एंटी मोदी पत्रकार, टुकड़े टुकड़े गैंग, इन सब ने मिलकर 20 साल पुरानी कहानी के जरिए हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश की। पुरानी इसलिए कि इस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पहले से लोगों को मालूम नहीं है। अब इस कहानी के बेहद अहम हिस्से पर आते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला गैंग दरअसल एक हिट जॉब कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि इस हिट जॉब के लिए इन्हें पैसे कौन दे रहा है। अगर ये पता चल जाए कि इस साजिश को कहां से फंडिंग की गई तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या बीबीसी ने बताया कि इसके लिए पैसे कहां से आए? आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए बीबीसी बाहर से पैसे लेता है, तो ये पैसा आया कहां से? इस सवाल का जवाब भी इस वीडियो में दिखने वाले लोगों की पड़ताल से ही चल जाता है। तो कहानी फिर से वही गाजा बचाओ अभियान से शुरू करते हैं जिसमें 4 हिंदुस्तानी शामिल थे। तो क्या आपको पता है कि गाजा बचाओ अभियान के लिए पैसे जमा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? 2 नाम, SQR इलियास, पूरा नाम सैयद कासिम रसूल इलियास, और दूसरा नाम प्रबीर पुरकास्त। ये दोनों बदकिस्मती से हिंदुस्तानी हैं। इलियास
वेलफेयर पार्टी का अध्यक्ष है और ये पार्टी जमात इस्लामी हिंद का हिस्सा है, लेकिन इसका असली परिचय अब मैं देता हूं। ये दिल्ली दंगे के आरोपी वो जेएनयू वाला उमर खालिद, ये इनका बेटा है। जैसा बेटा वैसा ही बाप निकला। ये शख्स सिमी जैसे खतरनाक आतंकी संगठन का संस्थापक रहा है, जो अब पीएफआई के रूप में आया, जिसे बैन कर दिया गया। ये पत्रकारों के वामपंथी गृह के एक सरगना प्रबीर पुरकायस्थ के साथ मिलकर गाजा बचाओ अभियान के लिए फंडिंग जमा कर रहा था। ये प्रबीर पुरकायस्थ ये न्यूज क्लिक वेबसाइट और यूट्यूब चैनल का ओनर है। आप इनके वेबसाइट पर जाएं और वहां मौजूद चेहरे को देखें, आपको अपने आप सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये लोग कौन हैं। पत्रकारिता के नाम पर जिहादियों के साथ साठ गांठ करना, हिंदुत्व को गाली देना, ये किस तरह की पत्रकारिता है, इसका भी जवाब आपको मिल जाएगा। अब आपको मालूम चल गया कि इस्लामी आतंकी संगठन हमास को मदद पहुंचाने वाले उमर खालिद और सीए पर तमाशा करने वालों के बीच क्या रिश्ता है। ये लोग जमाते इस्लामी हिंद के लिए काम कर रहे हैं। ये जमात इस्लामी कई सारे एनजीओ चलाते हैं, जैसे ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन, ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट आदि आदि। लेकिन इनमें जो ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट है वो कई इंटरनेशनल एनजीओ के साथ हिस्सेदार है, और यही वो इंटरनेशनल एनजीओ हैं जो इन्हें पैसे देते हैं। तो यहां दो सवाल है कि वो इंटरनेशनल एनजीओ कौन है और वो इन्हें क्यों पैसे देते हैं, और ये पैसे लेकर उनके लिए क्या काम करते हैं। कोई फ्री में तो पैसे देगा नहीं। तो पहले सवाल का जवाब है, इस ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट को कतर चैरिटी और टर्की के खुफिया एजेंसी से जुड़े एनजीओ IHH, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ फाउंडेशन आदि आदि से पैसे आते हैं। और नोट करने वाली बात यह कि बीबीसी प्रोपेगेंडा फिल्म की प्रोड्यूसर साधना सुब्रमण्यम की पहली डॉक्यूमेंट्री को भी कतर सरकार से पैसे मिले थे अल जजीरिया के माध्यम से। यह नापाक रिश्ता दुनिया के सामने ना आ जाए, शायद इसलिए इन लोगों ने अपना अकाउंट दुनिया से छिपा लिया। अब एक और कनेक्शन देखिए, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में यह लार वायर कारवा न्यूज क्लिक जैसे एंटी मोदी पत्रकारों और एक्टिविस्टों की राय को क्यों प्रमुखता दी गई, उनकी हर बात को सत्य बताया गया। ये सारे प्रोपेगेंडा वेबसाइट और यूट्यूब चैनल की फंडिंग IPSMF नाम के एनजीओ से होती है। आप देखिए वो लिस्ट जिनको इनसे पैसे मिलता है, ये सब मोदी विरोधी अफवाह फैलाने वाले गैंग हैं। इसके फाउंडिंग ट्रस्टी का नाम है आशीष धवन, जिसने सन 2000 में क्रिस कैपिटल नाम के एक प्राइवेट इक्विटी फर्म को खोला था। आपको पता है कि इसके प्राइवेट इन्वेस्टर्स कौन कौन हैं? वही कुवैत की सरकार, सिंगापुर गवर्नमेंट, बिल गेट्स और अलग अलग अमेरिकन और यूरोप के टाइकून्स और यूनिवर्सिटीज। मजेदार बात यह है कि क्रिस कैपिटल के एडवाइजरी बोर्ड में इन्फोसिस के को फाउंडर NS राघवन है, और जब 2008 में पूरी दुनिया मंदी का मार झेल रही थी तब क्रिस कैपिटल ने इंफोसिस में $200 मिलियन इन्वेस्ट किया था, और ये जिहादियों का समर्थन करने वाले मीडिया संगठन को फंडिंग करने वाले IPSMF की शुरुआती 100 करोड़ उसकी शुरुआत 100 करोड़ से हुई थी, जिसमें इंफोसिस का बड़ा हिस्सा था। और इंफोसिस के दूसरे फाउंडर नंदनी नलकानी ने की पत्नी रोहिणी नलकानी ने 30 करोड़ देने की पहल की। नंदन नलकानी कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके हैं। 2004 में रोहिणी नलकानी ने प्रथम बुक नाम के एनजीओ की शुरुआत की, जिसमें राजीव गांधी फाउंडेशन से भी पैसे आए थे। अब इस एनजीओ को आशीष धवन, अजीम प्रेम जी, बिल गेट्स, एजुकेशन अबव ऑल से पैसे आते हैं, और ये एजुकेशन अबव ऑल भी एक एनजीओ है जिसे शेखा मोजा बिन नासिर चलाती है, और ये मोहतरमा
कतर की फर्स्ट लेडी रही हैं। इनके पति हमद बिन खलीफा अल जजीरा और कतर फाउंडेशन के फाउंडर हैं, संस्थापक हैं। इसके बारे में बताया जाता है कि अरब स्प्रिंग को इन्होंने ही फंड किया था और हमास जैसे संगठनों के लिए भी ये फंड देते रहे हैं और कई सारे इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप को भी ये पैसे भेजते हैं और वो कई सारे ऑर्गेनाइजेशन को भी चलाते हैं जो जिहाद, इस्लामी आतंकवाद को मीडिया, सोशल मीडिया, एकेडमिक रिसर्च पेपर्स के जरिए इन जिहादियों को जो बचाने का काम करते हैं। इतना सारा पैसा इसलिए खर्च होता है क्योंकि इस गैंग का कर्ता धर्ता एक इंटरनेशनल कार्टेल है जिसमें कुछ ऑयल कंपनियां, फार्मा कंपनी, आईटी कंपनी, इसमें चीन, पाकिस्तान, कतर, टर्की जैसे रोग नेशंस ये सब शामिल हैं जो अलग अलग देशों में अपने मन मुताबिक नीतियां को पुश करना चाहते हैं कि उनके मन मुताबिक सरकार काम करे और वो जब नहीं कर पाते हैं तो अपने पालतू मीडिया कर्मी, एक्टिविस्ट, ओपिनियन मेकर्स, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जरिए हिट जॉब का काम करते हैं। ये वामपंथियों और जिहादियों का पूरी दुनिया में फैला हुआ एक कार्टेल है, एक नेक्सस है, एक गैंग है जो बड़े बड़े देश और नेताओं को झुकाने का ताकत रखता है। हिंदुस्तान ग्लोबल पॉलिटिक्स का सबसे उभरता हुआ सितारा है और मोदी एक ग्लोबल लीडर बनकर उभर रहे हैं जिससे न सिर्फ पाकिस्तान परेशान है, चीन, टर्की, कतर जैसे इन तमाम मुल्कों को भी दिक्कत हो रही है। सबसे बड़ी बात, मोदी किसी की नहीं सुनते और दुनिया भर में टेररिज्म को खत्म करने की मुहिम चला रहे हैं। हर प्लेटफॉर्म पे हिंदुस्तान इस टेररिज्म के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है। इंटरनेशनल वामपंथी गैंग जिहादियों के खिलाफ एक युद्ध लड़ रहा है भारत। बीबीसी का ये वीडियो तो एक बहाना है, असल में मोदी पर निशाना है और अभी तो सिर्फ शुरुआत है। 2024 में चुनाव है, ऐसे हमले और भी होते रहेंगे और हम ऐसे ही इन्हें एक्सपोज करते रहेंगे। इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से जिहादी वामपंथी गैंग इन लोगों ने मिलकर प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश की है। यह कोई सच सामने लेकर नहीं आ रहे, ऐसी कोई बात इन दोनों ही डॉक्यूमेंट्रीज में नहीं है जो पहली बार इस देश को मालूम चल रहा है। अभी कैपिटल टीवी की शुरुआत हुई है बीबीसी को एक्सपोज करने की, हम और भी एक्सपोज करने वाले हैं एक दो दिन के अंदर। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।